हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, तो 10वीं और 12वीं वाले ध्यान से सुन ले, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री जी ने तारीख की घोषणा कर दी है कि आपका यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट 2023 है वो उसकी डेट क्या है, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं आप, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो बात करें, कुल 58 लाख परीक्षार्थियों ने यूपी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, ठीक है। 58 लाख परीक्षार्थियों ने यूपी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, जिसमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों के छात्र सम्मिलित हैं, ठीक है। तो बात करें कि आपकी जो कॉपियों का मूल्यांकन है 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि आपके अप्रैल के पहले सप्ताह तक रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि पिछले वर्षों में हुआ है कि 40 दिन के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता, ठीक वैसा ही प्रोसेस इस बार भी होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका 40 दिन बाद यानी अप्रैल में ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाना है, ठीक है। तो रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो कॉपियां देख सकते हैं आप, कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो रही है क्योंकि बच्चे उसमें पैसे लगा रहे, तो उनमें नंबर भी काटे जा रहे, ठीक है। तो रिजल्ट आप कैसे निकाल पाएंगे, तो सब कुछ हम बताएंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप रिजल्ट आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अपने फोन पे आप रिजल्ट कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में भी हम वीडियो को में आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जरूरत होगी रोल नंबर की, फिर क्या जरूरी होगा विद्यालय कोड, जिसके माध्यम से आप अपना यूपी बोर्ड का रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लें कि आप अपने फोन पे कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली uprizult.nic.in लिख के गूगल में टैप करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे uprizult.nic.in, जैसे ही आपने इसको लिखा अब इसको मारेंगे सर्च, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, कई सारी वेबसाइट उसमें दी होंगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको लिख के सर्च करते हैं, देख सकते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली वेबसाइट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में जाकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसमें पहुंचेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, जिसमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों की लिंक्स दी हुई है, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल में तो उसको टाइप करिए, और अगर आप इंटरमीडिएट में तो उस लिंक को टाइप करके आप अपना रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपना रोल नंबर और विद्यालय कोड ढूंढ के रखिए। तो इन्फॉर्मेशन ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।